इंडियन जुगाड़ सिर्फ एक आर्ट नहीं बल्कि क्रांति है जिसने दुनिया भर में भारत का दबदबा बनाया है। किसी इन्वेंशन के लिए जहां दूसरे देश करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं, उसी इन्वेंशन को हम इंडियंस फ्री फोकट में ही कर डालते हैं, वो भी ऐसा कि बड़े बड़े इंजीनियर्स भी चकरा जाए। इसलिए कहते हैं कि इंडियंस जुगाड़ में नंबर वन है। ये वीडियो देखने के बाद तो इस बात पर आपको पक्का विश्वास हो जाएगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना न भूलें, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही शानदार, जानदार और जबरदस्त वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। पेट्रोल की कालाबाजारी रोकने के लिए पेट्रोल पंप वाले अक्सर बोतल डिब्बों में पेट्रोल देने से मना कर देते हैं। यहाँ भी साफ साफ लिखा है कि बोतल और डिब्बों में पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसलिए साइकिल सवार इस लड़के ने ऐसा जुगाड़ निकाला कि पेट्रोल पंप वाले भी दंग रह गए। बोतल डिब्बे में पेट्रोल नहीं मिलेगा। भाई जी, भाई इधर देखियो, बोतल डिब्बे में नहीं मिलेगा तो क्या लेके आए? भाई पूरी टंकी खोल आया। जिस इंस्ट्रूमेंट पर रश के कमर की तान छेड़ी जा रही है, दरअसल ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं बल्कि एक देसी जुगाड़ है जिसे बनाया है इस टैलेंटेड लड़के ने। इसने बेकार खाली डिब्बे और लकड़ी के फट्टे को इस तरह से जोड़ा कि ये सुरीला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया। इसकी तान भी ऐसी कि सुनकर दिल गार्डन गार्डन हो जाए। यकीन ना हो तो एक बार फिर से सुन लीजिए। इस शानदार वीडियो में इतने सारे मजदूर एक होकर इस जुगाड़ से ईंटों को छत तक पहुंचा रहे हैं। जमीन पर खड़ा ये मजदूर ईंटों को ग्राउंड फ्लोर पर खड़े मजदूर को पकड़ाता है, फिर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक ऐसे करते करते ईंटें ऊपर तक पहुंचाई जा रही हैं। जहां इस वीडियो में ईंटों को ऊपर पहुंचाया जा रहा है, वहीं यहां ये जनाब अपने जुगाड़ू दिमाग का इस्तेमाल करके भारी भरकम सामान को इस कपड़े के सहारे ऊपर से नीचे पहुंचा रहा है। वाह बंदे, कितनी मेहनत बचा ली ये जुगाड़ लगाकर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। स्क्रीन पर दिख रही ये बस उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की है जिसका वाइपर खराब हो चुका है, जिसके बाद बस के क्रिएटिव ड्राइवर ने पानी की बोतल को रस्सी से बांधकर ऐसा आइडिया लगाया कि ये जुगाड़ू वाइपर तैयार हो गया। अब जैसे ही ड्राइवर रस्सी खींचता है, पानी की बोतल उसे वापस नीचे खींचती है, जिसके चलते बस का शीशा ऑटोमेटिकली साफ हो जाता है। इसे और क्लियर समझना हो तो आप इस कार को देख सकते हैं। कैसा लगा देसी ड्राइवर का ये देसी जुगाड़? बेटे, बेटे मौज कर दे। यहाँ लकी द बुलेट का अपना अलग ही स्वैग है, लेकिन सामने से देखते ही सारा स्वैग समझ आ जाता है। वैसे स्वैग के मामले में ये आंटी जी भी पीछे नहीं है, जिन्हें बाइक पर बैठने की जगह नहीं मिली तो ऐसा जुगाड़ भिड़ाया कि जगह बना ही डाली। अरे अंकल जी, ऐसे कैसे आंटी को पीछे छोड़ दोगे? हाँ, इसी तरह इस पुष्पा को भी ट्रैक्टर वाले उसके साथी पीछे छोड़कर जा रहे थे। फिर क्या था, पुष्पा फट के मिल्खा सिंह बनकर पीछे लटक रहे पेड़ पर बैठ गया। अरे कमबख्तों, ये पुष्पा है फ्लावर समझे क्या? फायर है फायर। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। इसी तरह यहाँ इस क्रिएटिव ऑटो वाले भाई ने तो बिना पहिए वाले इस ऑटो के लिए इस बांस को ही पहिया बना डाला। देखिए कितने फर्राटे से ऑटो को दौड़ाया जा रहा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 2000 लाइक्स तो जरूर मिलें। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो अभी इसी बात पर ठोक दीजिए अपना लाइक। इस वीडियो को देखकर तो आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। यहाँ एक लाल रंग की कार सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन थोड़ी ही देर में आप क्या देखते हो कि यह मारुति वालों की गाड़ी नहीं बल्कि किसी भारतीय का देसी जुगाड़ है।
क्योंकि भैया जिसे हम कार समझ रहे थे वो तो ऑटो निकला रे। दोस्तों जुगाड़ के मामले में हमारे किसान भाई भी किसी से कम नहीं है। खेत में फसल को पक्षियों से बचाने के लिए किसान भाई ने बिजुका को कपड़े पहनाकर ऐसा रूप दिया कि देखकर जानवर तो क्या इंसान भी डर जाए। इस बिजुका को लकड़ी के फट्टे और स्प्रिंग के साथ जोड़कर खड़ा कर दिया। अब जैसे जैसे हवा चलती है ये बिजुका भी हवा के साथ हरकत करता है। ये बिजुका कम भूत ज्यादा लग रहा है। कोई अनजान आदमी इसे दूर से ही देखे तो पैंट गीली कर दे। खेत में पौधे लगाने के लिए एक किसान ने ऐसा जुगाड़ निकाला कि देखने वाला उसका फैन हो जाए। एक जुगाड़ के इंस्ट्रूमेंट में उसका साथी पौधा रख रहा है और ये किसान उस जुगाड़ के जरिए पौधे को जमीन में लगा रहा है। इस एक जुगाड़ के चलते कितनी सारी मेहनत बच रही है। इसी तरह फलों के ढेर में छोटे बड़े फलों की छंटनी का ये जो तरीका इस लड़के ने निकाला है वो बड़ा शानदार है। अच्छा ठीक है। यहाँ इस खेत में किसान ने पॉलीथिन की थैली में पानी भरकर इसके बहाव को कम करने का ये देसी जुगाड़ बिठाया है। इससे पानी का प्रेशर भी कम हो गया और उसके बहने की रफ्तार भी। खेत से पक्षियों को भगाने के इस अनोखे जुगाड़ पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। स्पैम कॉल से परेशान इस महिला ने कॉल रिसीव करने के बाद बर्तन से मोबाइल को ढककर चम्मच से बर्तन पर जोर जोर से मारा। उसके बाद तो कॉलर उसे दोबारा कॉल करने की सोचेगा भी नहीं। वैसे खेलने के लिए टायर से जो झूला इन बच्चों ने बनाया है वो भी कमाल का है। टायर में बैठकर गोल गोल गुलटियां खाने वाला ये वीडियो आपको भी गुदगुदा देगा। इसी तरह शॉवर से नहाने के शौक को पूरा करने के लिए इस लड़के ने प्लास्टिक की बोतल में छेद करके इसे नल में फिट कर दिया और अब बड़े मजे से फवारों के नीचे बैठकर नहाने का आनंद ले रहा है। इस बंदे के जुगाड़ के तो हम कायल ही हो गए। दोस्तों आपके लिए एंटरटेनिंग वीडियो बनाने में हमें हफ्तों की मेहनत लगती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके अपनी बेशकीमती राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ एक शख्स ट्रैफिक में सड़क क्रॉस करने के लिए एक जुगाड़ निकालता है और दिव्यांग होने का नाटक करने लगता है और गाड़ियों को रुकने का इशारा करता है। लंगड़ाते हुए सड़क पार करने लगता है। रोड क्रॉस करने के बाद बंदा पहले तो इधर उधर देखता है, फिर उसे जब लगा कि कोई नहीं देख रहा तो नॉर्मल इंसान की तरह चला जाता है। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या आपको वह चक्की याद है जिसमें हमारी दादी नानी मसाले और अनाज पीसा करती थी? आज हम आपको उसी चक्की से बनाया एक जुगाड़ दिखाने जा रहे हैं। इस चक्की के ऊपरी हिस्से में बोतलों को फिट किया गया और इसे घुमाने के लिए उसके पत्थरों को मोटर से जोड़ा गया है। ऊपर लगी बोतल के ऊपर एक पाइप आ रही है जिसमें जरूरत के हिसाब से पानी गिर रहा है। क्यों, कैसा लगा ये जुगाड़? टूटे हुए नल में खाली टूथपेस्ट को कुछ इस तरह से फिट किया कि उसमें से पानी की धार सीधे बाल्टी में गिरने लगी। समझ रहे हो? समझ रहा हूं। ढेर सारे बांस को काटकर जंगल से ले जाने के लिए इस शख्स ने स्मार्ट तरीका निकाला और बांस को एक जोरदार झटके के साथ नीचे की ओर धकेल दिया। फिर क्या, बांस अपने आप सरकते हुए नीचे पहुंच गए। अब इसे क्या कहेंगे, स्मार्ट वर्क या फिर जुगाड़, वो आपकी मर्जी। इस QR कोड वाली मेहंदी को देख सोच में मत पड़ जाना कि भला ये कैसे मेहंदी हुई। दरअसल अब जमाना डिजिटल का हो चुका है, समय के साथ बहनें भी हाईटेक हो गई हैं। ऐसे में इस बहन ने अपने हाथ पर ये खास QR कोड वाली मेहंदी ही बनवा डाली ताकि इसे स्कैन कर उसके भाई उसे फौरन UPI के जरिए पैसे भेज दें। अरे ऐसे थोड़ी होगा स्कैन, देख ले, अगर नहीं हुआ तो 5,000 रुपए देगा। प्यारी समझ गई। अब जरा आत्मनिर्भर भारत के इन आत्मनिर्भर बच्चों को देखिए जिन्होंने लकड़ी से क्या मजेदार झूला बनाया है। देखकर हर किसी को बचपन की याद आ जाए। वाह क्या सीन है। कहते हैं कि शौक बड़ी चीज होती है,
इसका नमूना यह आदमी है जिसने बाइक की हेडलाइट में टीवी लगा डाली, साथ ही बाइक के ऊपर एक छोटा सा स्पीकर भी लगा है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, अब जैसी आवश्यकता वैसा ही आविष्कार। इसी बात को समझने के लिए भेड़ों को एक साथ ले जाने वाले इस आविष्कार को देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना, कोई इन पंडित जी से सीखें जो पूजा के समय घंटी लाना ही भूल गए। तभी इनके दिमाग की घंटी बजी और इन्होंने अपने मोबाइल में घंटी वाला म्यूजिक ऑन कर दिया। इसके बाद घंटी बजती रही और पंडित जी मंत्रोच्चारण करते रहे। जुगाड़ निकालने में जानवर भी किसी से कम नहीं होते। जंगल में तेज बारिश से बचने के लिए इस बंदर ने पेड़ की टहनियों से जो छाता बनाया, उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। अब जरा लखनऊ के इस पान की गुमट्टी वाले पर भी नजर डालिए, जिसने रोज रोज गुमट्टी हटाने की प्रॉब्लम से बचने के लिए अपनी कार को ही दुकान बना डाला। अब न तो अतिक्रमण का डर और न ही जगह की टेंशन, रोज रोज गुमट्टी हटाने की किचकिच भी खत्म हो गई। यहाँ इस बंदे ने बाइक की स्टील बॉडी फ्रेम में चप्पलों का शानदार अरेंजमेंट करके पहिया ही बना डाला। आपको अपनी आंखों पर यकीन ना हो तो इसे चलता हुआ भी देख लीजिए। तो दोस्तों, ये थे टैलेंटेड भारतीयों के जानदार जुगाड़। इन्हें देखकर लगता है कि भारत बहुत जल्द आत्मनिर्भर देश बन जाएगा। आपको इनमें से कौन सा जुगाड़ सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्द मिलते हैं आपसे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।